जय हिंद। इस समय हम आपको बता रहे हैं इंदौर नगर निगम की डॉग स्टरलाइजेशन वैन की गाड़ी। अब हमने भेजा था मनीषा नाम की एक श्वान को नसबंदी के लिए, भेजा था उसे, और अब वो वापस आ रही है। और उसे यहीं इसलिए उतारना है क्योंकि कानूनी तौर पर जो कुत्ता जहां पैदा हुआ है वही उसका घर है। अब वो यहां पर आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी। ऑपरेशन हो गया है तो उसे आगे और बच्चे होंगे नहीं, और यहां के जितने भी दयालु नागरिक हैं वो मिलजुल करके उसे भोजन पानी प्यार देंगे। अब आप बोलेंगे कि यहां क्यों छोड़ना है, दूसरी कॉलोनी में क्यों नहीं छोड़ रहे? तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो नसबंदी करा हुआ श्वान होता है वो नए डॉग को आपके मोहल्ले में आने नहीं देगा, तो नया डॉग आएगा नहीं और पुराने डॉग को ऑपरेशन हो गया तो आबादी तो बढ़ेगी नहीं। समझ गए भैया? तो ये फॉर्मूला है कि नसबंदी करा हुआ श्वान है ना, वो आपके मोहल्ले के लिए एक असेट है। अब ये है मनीषा बेबी जो गई थी, अले 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 दिखाओ दिखाओ अले गुड़िया रानी। उसको समझ में आ गया है कि वो अपने घर आ गई है। अब उसके सारे फ्रेंड्स उससे मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किधर गई थी, कैसी तबीयत है, ऑपरेशन कैसा हुआ, मम्मी की याद आई थी क्या? चलो आओ मम्मी से मिलाएंगे, इधर आओ मनीषा, आ जाओ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नगर निगम की डॉग कैचर भैया से। भैया जरा ये बताइए कि नॉर्मली आप जब डॉग छोड़ने आते हैं कहीं पे भी तो आपको क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है मैम कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं कि यही छोड़ो भैया, अच्छा दिया हमारा डॉग, कुछ लोग तो हटाओ इनको यहीं से, बिल्कुल से सुनते नहीं है मैडम। तो इसका मतलब ये है कि कई लोगों का कहना है यहाँ मत छोड़ो, जबकि कानूनी तौर पर आपको वहीं छोड़ना है। तो इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जो डॉग जहाँ से उठाया जाता है वहीं छोड़ना कानूनी रूप से अनिवार्य है। दूसरी चीज, नसबंदी करा हुआ श्वान रहेगा तो वो आकर के आपके मोहल्ले में वापस जिएगा, नए डॉग को आने नहीं देगा और उसकी आबादी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसका ऑपरेशन हो गया। वो काटेगा भी नहीं, उसको खाना पानी और आपकी ऊपर से गार्ड करेगा। एग्जैक्टली, गार्ड बन जाएगा। ये बात, ये देखिए हमारे जो इंदौर शहर के डॉग कैचर्स है ना वो भी डॉगिटाइज्ड हैं। इनके पास जब लड्डू ऑपरेशन के लिए जाता है ना तो लड्डू इनका ही हो जाता है, वापस आता है, वापस छोड़ने आते हैं ना तो लड्डू भी पूछ हिलाता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।